we are continuing our fourth, fifth chapter. Okay students, so last class में हमने study किया था आपके fifth chapter में part one में कि हमें अपने घर में safety कैसे रखनी चाहिए हमारी. तो आज हम study करेंगे बच्चों किस तरह से हमें safety रखनी चाहिए अपने school में, playground में, ठीक है, swimming pool में, ठीक है. Let's start. Okay, page number 196. Safety at school. Do not run up or down the stairs. हमें भागना नहीं चाहिए stairs पे, ना up and ना down. You may fall down and cause injury. आप देख सकते हो, आपको चोट लग सकती है yourself and other. खुद को भी and दूसरों को. Do not climb on desk. Benches पे नहीं भागना चाहिए. ना ही desk पे. You might fall down. आप गिर सकते हो. Do not learn and slide down the bench stairs. स्लाइड्स भी नहीं करने चाहिए लाइक दैट. आप अपने सीढ़ियों से उतर रहे होता है वहाँ से स्लाइड कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना. देखो गिर सकते हो, चोट लग सकती है आपको. सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द स्विमिंग पूल. डू नॉट फाइट बाई प्लेइंग. खेलते टाइम नहीं झगड़ना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फाइट नहीं करना. कुछ बच्चे होते हैं फाइट करते हैं, नहीं बच्चों. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. ऐसे गेम्स नहीं खेलनी चाहिए जिससे गिर जाओ. प्लेग्राउंड एंड पूल. आल्सो डू नॉट प्ले विद द शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. किसी भी नुकीली चीज़ें, शार्प चीज़ों से, जैसे लाइक दैट नाइफ ब्लेड, इनसे नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज बी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. जब भी स्विम करते हो देन अपनी एडल्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पर. जो बड़ा होना चाहिए लाइक आपके फादर या आपके जो भी कोच हैं, ठीक है. एंड रोड सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पर किस तरह से हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए बच्चों. लाइक साइड पर भी जा सकते. हमेशा अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. जितनी भी ट्रैफिक की लाइट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. तीन तरह की बच्चों ट्रैफिक लाइट्स होती हैं लाइक रेड, ग्रीन एंड येलो. रेड ग्रीन से स्टॉप. रेड का मीन है कि स्टॉप हो जाओ. येलो का मीन है वे. एंड ग्रीन का वे है गो. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए लाइक दैट. सो ये सब तो आपको समझ में आया. अब हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट एड के बारे में. बच्चों फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब समझ में आ रहा है किस तरह से सेफ्टी रखनी है. फर्स्ट एड के अंदर आज हम स्टडी कर रहे हैं इमीडिएट हेल्प गिवन इन इंजर्ड पर्सन. इमीडिएट हेल्प करना बच्चों किसी की जब वो किसी को चोट लगी है. द डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जब डॉक्टर को हम खुद डॉक्टर जैसा थोड़ा बिहेव करते हैं या डॉक्टर को उनकी हेल्प करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए किसी को, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड. एवरीवन शुड लर्न टू गिव फर्स्ट एड. सबको आनी चाहिए फर्स्ट एड करनी. व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड स्टे कैम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल. फर्स्टली लाइक किसी को चोट लगी हो उसे फर्स्टली बिठाओ आराम से, उसे शांत करो. डू नॉट क्राउड अराउंड. उसके आसपास शोर नहीं होना चाहिए बच्चों. द इंजर्ड पर्सन, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड. लाइक उसके हाथ पे लगी है चोट, उसके सिर पे लगी है, उसके पैर पे लगी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चों उसकी इंजरी हो सकती है. फर्स्ट एड भी डिफरेंट टाइप्स होती है. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. बात करते हैं माइनर कट एंड वाउंड. लाइक किसी को छोटा सा कट लग गया देन आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हो. वॉश योर हैंड थॉरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. फर्स्टली आपको अपने हैंड वॉश करने हैं बच्चों उसकी फर्स्ट एड करने के लिए, लाइक उसको पट्टी करने के लिए. देन हैंड खुद को वॉश इसलिए करने पड़ते हैं बिकॉज आपके हाथ में भी तो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं. वॉश द वाउंड विद क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट. फर्स्टली अगर उसको कहीं चोट लग गया तो उसकी डर्ट को, उसके जो चोट है उसको अच्छे से वॉश करो. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और सैवलॉन ओवर द वाउंड एंड कुटिंग. ठीक है, एंटीसेप्टिक आपके पास होना चाहिए. लोशन होना चाहिए जो आप उसकी इंजूरी है उसको आपको कुक कर सको. बैंड आई ओवर द वाउंड. आप उसको फिर बैंडेड कर सकते. बैंडेड नहीं है देन आपके पास उस टाइम लाइक कोई हैंडकिक है तो उसको उसे करो ताकि उसकी ब्लड ना हो. ठीक है, ओके. एंड लास्ट नेक्स्ट हमारे टॉपिक से अब किस तरह से हम उसकी और अच्छे से केयर कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. आज के लिए इतना बहुत है. आज हमने स्टडी किया कि हम स्कूल में किस तरह से हेल्प अपनी अपनी सेफ्टी रख सकते हैं एंड किस तरह से रोड पे.
वेट करना चाहिए, रुकने के लिए।